Greetings, welcome to the Grid Solution India. I am Dr. Nandik Sujadu. So in this lecture, we will discuss about our first amplifier designed by the MOSFET, and that is a common source amplifier. Okay, so in the common source amplifier, the source is common. Okay, this source is common. We are applying input at the gate terminal. So this is the gate terminal, this is drain terminal, and this is source terminal. Okay, so this is source terminal. So we are applying input here. This Vin is the input. Okay, input means, for example, we have some microphone. We have a microphone. Okay, this is small signal and this is the Vin. The microphone se mujhe input mil raha hai, and this is amplified by this amplifier. Okay, common source stage, and we will get output at across this. So we are here. We are getting output. So yahan se mujhe output mil raha. Okay. So how can we analyze this? So first we will find out the gain or Rin. So hum kya kya find out karenge? We will find out gain, voltage gain, Rin, input impedance, R out, output impedance. Ye mujhe pata hai. So what is the first step? First step is to design or to replace it by the small signal model. So hume sabse pehle to design स्मॉल सिग्नल इसका मॉडल बना रहा है, ये वोल्टेज सोर्स आपके रिप्लेस हो जाएंगे बाय द देयर इंटरनल इंपेडेंस. जितने भी लार्ज सिग्नल है, मतलब ये भी रिप्लेस हो जाएगा और ये भी रिप्लेस हो जाएगा. ये दीज आर द बायसिंग वोल्टेज, ये दोनों बायसिंग वोल्टेज है, बायसिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे. तो हमें क्या मिलेगा? एक यहाँ पे माइक्रोफोन लगा हुआ है जिसका इनपुट है वी, ये शॉर्ट हो गया, ये गया हुआ है आगे कहीं, और ये आपका ग्राउंड हो गया, ग्राउंड हो गया, और ये जो है एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये भी ग्राउंड हो गया, तो ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये भी ग्राउंड हो गया, क्योंकि ये भी ग्राउंड हो जाएगा, ये भी ग्राउंड हो जाएगा, ये आरडी है. अब आरडी जो है वो ड्रेन टर्मिनल पे जाके लगता है, तो अब मुझे इसका स्मॉल इक्विवेलेंट मॉडल बनाना है. इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या होता है? इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल आप देखोगे तो हमें पता है ये आपका प्लस माइनस वीन होता है, और यहां से एक एक करंट डिपेंडेंट, करंट वोल्टेज डिपेंडेंट, जीएम वी ये होगा. तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं उससे, तो यहां से रिप्लेस करूंगा इसको, तो ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा जीएम बी, और बी यहां पे होगा प्लस माइनस बी, ये बी यहां पे होगा. ओके, ये बी होगा, इसको मैं बी लिख देता हूं स्मॉल सिग्नल में. आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि बी कुछ और हो जाएगा बी, तो मैं इसको बी एम लिख देता हूं, बी एम. ओके, इसको भी बी एम लिख देता हूं, बी एम, क्योंकि बी मुझे यहां मिलने वाला है ये दो नोड के बीच, ये बी. तो दिस इज डिपेंड ऑन द बी, दिस इज द स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ दिस, एंड वी आर गेटिंग आउटपुट हियर. अब मुझे सबसे पहले तो जब भी मैं एनालिसिस करता हूं इस तरह के वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स या करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स को, सबसे पहले मैं जिस पे ये डिपेंड कर रहा है उसकी वैल्यू निकालता हूं. नाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? दिस इज डिपेंडिंग ऑन वी, डिपेंडिंग ऑन वी, वी पे डिपेंड कर रहा है. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी, फर्स्ट ऑफ वी. तो मुझे सबसे पहले वीन की वैल्यू निकालनी है. अब यहां से देखो वीन को, तो वीन को यहां से देखोगे क्योंकि हियर तो वीन और वीएम तो बराबर है, तो हियर वीएम इज इक्वल टू वीन. ओके, सो वीएम वीन इज इक्वल टू वीएम, तो वीन की वैल्यू निकल गई, वीन वर्सेस वीएम आ गया हमारा, तो वीन ही वीएम है. ओके, वीएम की वैल्यू निकल गई. अब कुछ नहीं करना है, अगर वीएम की वैल्यू निकल गई तो मुझे यहां पे वोल्टेज निकालना है, वीआउट. यहां पे वीआउट निकालोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं है, यहां पे केवीएल लगा लेता हूं मैं. So I am applying KVL here at output terminal. Output node पे अगर मैं nodal analysis लगाता हूं तो क्या होगा? यहां पे भी Vout ही है, तो यहां पे एक करंट तो इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है, दोनों करंट गोई गए तो दोनों प्लस आएंगे. ओके, तो दोनों करंट यहां पे गोई गए, दोनों प्लस आएंगे, तो यहां पे करंट क्या होगा? Vout by RD, और यहां करंट क्या होगा? जो भी फ्लो हो रहा है वो. ओके, सो हियर द करंट इज Vout by RD, एंड हियर द करंट इज दिस वॉट एवर द फ्लोइंग करंट. ओके, सो दिस इज इक्वल टू the KCL at this node is equal to this, means V out by RD plus this current. This current is nothing but GM
into Vm is equal to 0. Okay, so this is Vm or Vm means both are the same. So I can write here Vin also. Vin. Okay, so this is the Vin. Okay, now output is equal to, so I can write like this, Vout by RD. This will go at that side. So मुझे मिलेगा minus GM Vin. Okay. So यहां से मिलेगा Vout is equal to minus GM Vin RD. Okay. Gain क्या होता है? The gain is equal to Vout by Vin. तो यहां से Vout Vin के फॉर्म में मैं टर्म में इक्वेशन निकाल लेता हूं, तो यहां से क्या निकलेगा, ये नीचे आ जाएगा, तो Vout यहां से Vin नीचे आ जाएगा by Vout Vin is equal to minus GM RD. So we will get like this. Okay, so this is nothing but a gain. ये तो gain है. So gain is equal to AV is equal to minus GM RD. So this is the gain, voltage gain of this common source stage. This is the voltage gain of common source stage. This is the voltage gain of common source stage. अब मुझे निकालना है RE. RE. Input impedance निकालना है. Input impedance निकालने के लिए क्या करते हैं? हम सारे voltage source को ground कर देते हैं. So कोई भी circuit हो, कितने भी इसमें circuit हो, जिस भी दो terminal के बीच में निकालना है, तो हम एक voltage source लगाते हैं यहाँ से Vx. और यहां से निकाल लेते हैं Ix, तो Vx by Ix is equal to Rin हो जाता है मेरा, Vx by Ix is equal to Rin. Okay, so अब मैं इस केस में Vx by Ix अगर मैं वोल्टेज लगाता हूं, तो ये वोल्टेज यहां से हटा देता हूं. ओके, यहां वोल्टेज यहां से हटा देता हूं, यहां से मैं यहां एक वोल्टेज सोर्स लगा देता हूं Vx का, और यहां से Ix कैलकुलेट कर लेता हूं. लेकिन यहां पे Ix करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं, करंट फ्लो नहीं हो रहा है यहां, तो आपका इनफाइनाइट करंट है. Infinite resistance, कोई finite resistance है ही नहीं. Infinite resistance मतलब क्या हो रहा है? ये तो आपका zero हो गया, ये zero हो गया तो क्या होगा? ये infinite हो जाएगा. तो इस केस में Rin क्या है? Rin is equal to infinite. Okay, तो ये आपका Rin निकल आया. अब मुझे निकालना है Rout. Rout निकालने के लिए same वही है कि output terminal में जो भी मुझे Rout निकालना है, यहाँ पे Vx वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा, यहां पे Ix वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा, तो Vx by Ix is equal to R out हो जाएगा जो भी टर्मिनल के बीच में. तो मैं यहां पे एक वोल्टेज सोर्स लगाने वाला हूं, सारे वोल्टेज सोर्स उसके इंटरनल इंपेडेंस से रिप्लेस हो जाएंगे. तो ये हो गया आपका P plus minus Vx, और यहां मैं कैलकुलेट करने वाला हूं Ix. तो ये मेरा हो गया Vx Ix. लेकिन यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, जब मैं वोल्टेज सोर्स लगा रहा हूं एक्सटर्नली, मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, मींस ऑल वोल्टेज सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस. तो ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये भी आपका रिप्लेस हो जाएगा बाय ग्राउंड. अब मैं यहां से देखता हूं, अगर ये मेरा Vin, ये 0 हो गया, तो Vin भी 0 हो गया. तो इस केस में क्या हो गया? Vin इज इक्वल टू 0 हो गया. Vin 0 हो गया, इट इंप्लाइज दैट GM * Vin इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म 0 हो गई है, ये टर्म 0 हो गई है, ठीक है ना? ये टर्म 0 हो गई, मतलब ये तो सर्किट से बाहर हो गया. तो आउटपुट में क्या लिखा है? आउटपुट में सिर्फ यही दिख रहा है, यहां से करंट जो फ्लो हो रहा है, तो यहां पे क्या करंट फ्लो हो रहा है? अगर देखोगे तो डायरेक्ट मैं RD लिख सकता हूं यहां से, क्योंकि यहां RD है. पर अगर मैं इसको लिखूं तो Vx is equal to क्या हो गया? Vx is equal to Ix RD. तो Vx by Ix is equal to RD. So Rout is equal to RD. So we will get, this is the Rout transconductance. Okay. Now, अगर for example यहाँ पे मैं एक चीज जोड़ दे देता कि एक resistance है आ रहे, इसके cross मुझे output निकालना है Vout, तो क्या हो जाता? देखो, ये terminal से ये ground है और ये भी ground है. ये जब small signal model बनाते हो, तो actual में यहाँ एक RL और ground हो जाता. This is RL और यहाँ से Vout मिल रहा है मुझे. Why? Because when we replace short by the, we replace all the voltage source by their internal resistance.
मींस इसको मुझे शॉर्ट करना है, इट विल शॉर्ट, तो ये शॉर्ट होगा तो ये ग्राउंड हो जाएगा और ये ऑलरेडी ग्राउंड है, तो ये दोनों पैरेलल में जाएंगे, ये ऑलरेडी ग्राउंड था ये भी ग्राउंड हो गया, तो दोनों पैरेलल में आ गए, तो ये तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो जहां पे भी आरडी था उसको मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं, तो ये जो चेंज हो जाएगा AB इज इक्वल टू माइनस GM RD पैरेलल विद RL। ओके, अगर RL दिया होगा तो लोड रेजिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा, ये भी रिप्लेस हो जाएगा RD पैरेलल विद RL। ओके, तो ये RD और RL के साथ में पैरेलल हो जाएगा, तो जितने भी रेजिस्टेंस, सो इट मींस गेन क्या है, गेन इज नथिंग बट माइनस GM इनटू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द ड्रेन टर्मिनल, और आर आउट क्या है, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द आरडी। अच्छा ठीक है, अब मुझे अगर इसके इसमें चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन भी लेके चलना है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन लेके चलना है, तो मेरा एक और रेजिस्टेंस यहां पे आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा, ये चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन वाला आरएल, और यहां पे आ जाएगा ये स्मॉल आर, तो ये भी यहां पे ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है, ये तीनों पैरेलल में आ रहा है, देखो ये यहां जाके देखो, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क होता है, ये यहां के जीएम के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये यहां पे होता है रेजिस्टेंस, अभी ये आर ओ है, ये ड्रेन और सोर्स के बीच में रेजिस्टेंस होता है, तो ये ग्राउंड नहीं हो रहा है, ये सोर्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन सोर्स भी ग्राउंड हो रहा है, इसलिए अब ये सारे ग्राउंड में आ गए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आर ओ भी पैरेलल में हो जाएगा, तो इस केस में आपका गेन क्या हो जाएगा, गेन इज इक्वल टू माइनस जीएम आर डी पैरेलल विद आर ओ पैरेलल विद आर एल। यहां पे भी आपका गेन आउटपुट रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर डी पैरेलल विद आर ओ पैरेलल विद आर एल। सो दिस इज द गेन, आउटपुट इंपेडेंस, इनपुट इंपेडेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर। नाउ व्हाट इज द करंट गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर, करंट गेन इज जीरो। करंट गेन जीरो क्यों है, क्योंकि आपका आई इन में कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा, इनपुट में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, इनपुट, सो आई इन इज इक्वल टू I is equal to zero, so AI is equal to I out by I in, तो ये क्या हो जाएगा, तो infinite हो जाएगा, तो current gain इसका infinite है, current gain is equal to infinite, तो ये AI is equal to I out जो भी आ रहा होगा, ये zero by I out is equal to infinite, तो इसका current gain क्या हो जाएगा, current gain is equal to infinite, तो voltage gain is equal to minus GM RD and current gain is infinite।